ये शायद पहला मौका होगा जब अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे देश में आपको रोड शो करते हुए नजर आए। 9 किलोमीटर लंबे रोड शो में ट्रंप के स्वागत की ऐसी तैयारी है जिसे लेकर उनकी उत्सुकता इतनी ज्यादा है कि वो आने से पहले कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं। रोड शो किन मायनों में खास और अलग है, आइए वो आपको बताते हैं। तो एयरपोर्ट से ये मेगा रोड शो, और इस मेगा रोड शो का एक मेगा प्लान है सचिन, और इसीलिए हम दर्शकों से कह रहे हैं आज देखिए उस पूरे रूट को, जिस रूट से उस दिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष निकलेंगे, और ये पूरा रूट जिसके दोनों तरफ जनता होगी और लाखों की तादाद में होगी जो जिसका अभिवादन स्वीकार करेंगे और ऐतिहासिक होगा। और सिर्फ भारत ही नहीं सचिन, पूरी दुनिया की नज़र इस रोड शो पर होगी जिसमें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा मिलन है। तो आज हम जिस रूट से गुजर रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताते चलें, और इससे बेहतर क्या हो सकता था, हमें लगा कि खुली जीप में आपको लेकर के चलते हैं। अभी हम निकले हैं जहां से डोनाल्ड ट्रंप का काफिला निकलेगा, बीस्ट वो गाड़ी उनकी निकलेगी, यहां से निकलेगी, प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे इसी सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से। स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये देखिए ये पहली तस्वीर, नमस्ते ट्रंप, 24 फरवरी 2020। देखिए भव्यता दोनों तरफ जिस तरीके से अब ये सड़कें सजने लगी, और सचिन ये बैरिकेड्स होंगे, आप ये कह सकते हैं टू टीयर सिक्योरिटी होगी जिसमें इसके इस तरफ आने की इजाज़त किसी को भी नहीं होगी। आज से ही उसका प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है, और एक कहें कि रिहर्सल भी चल रही है कि जो काफिला निकलेगा, आप देखिए सचिन इस तरफ देखिए, ये बड़ी बड़ी तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, मिलन जो हम शब्द कह रहे थे, सबसे बड़ा मिलन, ये देखिए ये मिलन लिखा हुआ है, और हर तरफ अभी तो ये शुरू हुआ है। अब देखिए सफाई का इंतजाम आप देख रहे होंगे, शहर सजाया गया है, और अभी कह सकते हैं आखिरी हम कहें कि अंजाम तक अब पहुंचाया जा रहा है, एक आखिरी तैयारियों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश अब हो रही है सच। हालांकि वैसा भी अहमदाबाद जो है काफ़ी साफ सुथरा खूबसूरत शहर है, ये देखिए यहाँ पर जो बस स्टैंड है उसे भी पूरे तरीके से यूँ कह सकते हैं कि एक नया रूप दिया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर वो तस्वीर आ जाती है जिस तस्वीर का इंतजार रहेगा, जिसका जिक्र यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था कि मोटेरा स्टेडियम। देखिए और सचिन हम ये बता रहे थे कि जैसे हम एयरपोर्ट से निकलते हैं उसके बाद ये रूट लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और सामने मैं देख पा रहा हूँ जैसे ही दुनिया का वो सबसे शक्तिशाली नेता यहाँ से पहुंचेगा तो स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर का एक बड़ा बोर्ड उसको दिखाई देगा। और देखिए जिस नमस्ते की बात करते हैं ना सचिन, वो नमस्ते भी दीवारों पर है, यहाँ पर आप लगातार देख पा रहे होंगे। अच्छा ये स्टेज देखिए जरा, ये देखिए ये जो स्टेज है ना यहाँ पर अमित, ये जो ऐसी स्टेज आई है, देखिए एक स्टेज वो गई थी, वो पहली स्टेज थी, ये दूसरी स्टेज आई, ये देखिए ये दूसरी स्टेज आई, ऐसी 28 स्टेज हैं, यानी कि 28 ऐसे मंच हैं, 28 मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। अब जरा अंदाजा लगाइए जब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति गुजर रहे होंगे, अब वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स गुजर रहा होगा, और उसे एक तो इतने कलर्स देखने को मिलेंगे और इतने लोग उसका स्वागत कर रहे होंगे, और फिर हर 100 मीटर पर एक स्टेज भारत के एक अलग रंग को दिखाती अगर सामने मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पहले कभी हुआ होगा। देखिए सचिन ये पहले ही बताया जा चुका है कि जो CIA जो सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी अपने एक एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ अहमदाबाद पहुंच चुकी है, और 20 जिस गाड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति चलते हैं उसके आसपास वायरलेस सिस्टम, एंटी मिसाइल और तमाम इक्विपमेंट्स के साथ जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ एक पूरा काफिला, आप ये सोचिए पीछे तक वो काफिला चल रहा होगा, और उसकी तैयारियों की रिहर्सल पहले से ही शुरू हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना, या फिर यूं कहें कि CIA को कन्विंस करना, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी इसके पीछे टीडीएस एक तो मेहनत रही होगी, दूसरा सुनिश्चित वो हुए होंगे तब जाकर के अप्रूवल दिया होगा। ये रोड शो पूरे तरीके से भारतीय एजेंसियों के हाथ में सुरक्षित है, हाँ भारतीय प्रधानमंत्री इसे सफल बना सकते। ट्रंप के स्वागत के लिए गुजरात तैयार है, इस रिपोर्ट में आपने देख लिया होगा। गुजरात के लोगों ने शायद ही ऐसा कड़ा पहरा कभी देखा होगा जैसा ट्रंप के दौरे को लेकर दिख रहा है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की भारी भरकम टीम पहले से मौजूद है, और उनके साथ NSG, CRPF और गुजरात पुलिस की टीम भी ट्रंप और PM मोदी की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है।